साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उसमें मई के पहले पखवाड़े में सांसद कूच का प्रोग्राम है और सांसद घेराव का प्रोग्राम है, जिसमें पूरे देश के लोग इकट्ठे होकर चलेंगे। उसमें सभी भाइयों से अनुरोध है, मजदूर भाइयों से, बेरोजगार भाइयों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, हमारी मातृशक्ति से, हमारे व्यापारी भाइयों से, आढ़ती भाइयों से, सभी भाई एक दिन पहले, दो दिन पहले जो तारीख तय हो, तारीख तय होनी उसके भी बाकी है, जो भी तारीख तय होगी उसके पहले यहाँ पे आ जाएं। और बॉर्डर तक आपने सवारी में आना है, उसके आगे सारे पैदल जाएंगे। सरकार लठ मारे, सरकार जेल में ले जाए, पानी मारे, हमने खाएंगे उनसे, पीटेंगे उनसे, हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन सांसद पे जरूर जाएंगे। तो मेरी बेनती है कि सब इस पे अमल करें और इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दें। दूसरा, 5 तारीख को पूरे FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा सारे देश के अंदर, और 10 तारीख को 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए रोड बंद किया जाएगा KMP, और 13 तारीख को जो है वो दिवस मनाया जाएगा, उसमें जो है वो खालसा स्थापना दिवस भी है, और उस दिन जो है जो शाका हुआ था अमृतसर का, जलियांवाले बाग का, उसका वो दिन मनाया जाएगा, और 14 तारीख को बाबा अंबेडकर साहब जी की जयंती मनाई जाएगी सभी धरनों पे, और उसका जो नेतृत्व करेंगे 14 तारीख का जो नेतृत्व करेंगे सभी हमारे वही भाई करेंगे, हम नीचे बैठेंगे, वो स्टेज के ऊपर बैठेंगे। और 1 तारीख को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, 1 तारीख को भी सभी धरनों पे मजदूर दिवस होगा, और जो हमारे मजदूर भाई हैं वही उसका नेतृत्व करेंगे। और इस तरह से हम मजदूरों को, हम जो हमारे दलित भाई हैं उनको, हम सब को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी एक बेनती और है कि सभी दलित भाई अपने अपने घरों में सर छोटूराम की फ़ोटो लगाएं, और जो स्वर्ण भाई हैं वो अपने अपने घरों में अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगाएं। हम दोनों पीस रहे हैं, हम दोनों कुट रहे हैं, हम दोनों तबार हो रहे हैं, और आपस में फूट का फ़ायदा हमारा कारपोरेट उठा रहा है, हम इकट्ठे होने की ज़रूरत है। तो ये प्रोग्राम लिए गए हैं, जो मई का प्रोग्राम है पहले पखवाड़े का, उसकी हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो हमारा सभी जो देशवासी हैं उन सभी भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस प्रोग्राम में पहुँचे, उसकी तारीख बहुत जल्दी आपको तय करके बता दी जाएगी।